तुम्हारी कहानी बिल्कुल कंचन की कहानी जैसी है। भगवान ने कहा कंचन भी कहीं बैठी पृथ्वी का इंतजार न करती। आओ हम तुम्हें खो जाए और सारी दुनिया को बता दें कि पृथ्वी या करण की असलियत क्या है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसा नहीं है, मुझे उसी के साथ रहना होगा। तो करण है या पृथ्वी है तो मेरे लिए मरने वाले बच्चे का बाप, उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। तारा, क्या बात है तारा? तारा कुछ गड़बड़ हुई क्या? नौकरी छूट गई या वो दीपक सेठ के बच्चे ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं शर्मिला के पास गई थी उससे मिलने के लिए। वो पृथ्वी के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूं, शर्मिला की कहानी भी वही है जो कंचन की कहानी की शुरुआत है। वो भी पृथ्वी के साथ घर से भागी थी। उसके पास भी बहुत पैसे हैं जो अब धीरे धीरे खर्च होते जा रहे हैं। पृथ्वी उसके पास आता है, फिर कोई बिजनेस का बहाना बना के चला जाता है। और शर्मिला? पहले तो काफी ठोस बनी रही, जब मैंने बहुत कहा तो उसके अंदर का दर्द लावा बनकर फूट गया। रो दी बेचारी, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी इस कमीने पृथ्वी ने। यहाँ करण है, न जाने और जगहों पर क्या क्या होगा। ये तो मुझे मालूम था कि पृथ्वी कमीना है, लेकिन इतना कमीना होगा इसका मुझे अंदाजा ना था। That bastard! लेकिन अब हम क्या करें? कंचन को कहाँ ढूंढें? कंचन को कुछ हो गया तो हम पर भी उतना ही इल्जाम लगेगा जितना कि पृथ्वी पर। हमारी जान का टुकड़ा है कंचन भी। कितनी बेबस है कि हम कंचन तक पहुंच नहीं पाए। ऐसा लगता है जैसे किसी काली सुनसान सड़क पर वो अकेली चली जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रही। हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। ये जानलेवा बेबसी सही नहीं जाती। तारा, तारा प्लीज ऐसी बातें करके हमको डराओ मत। कंचन जहाँ भी है सही सलामत है, खुश है, हैप्पी है। नहीं, हमें इस तरह से आंखों पर पर्दा डालकर नहीं बैठना चाहिए। हमें किसी पेपर में इश्तिहार देना चाहिए कि हमारी सहेली कंचन घूम गई। हाँ, और वो जहाँ भी है हमें फोन करे, हम सब उसके लिए परेशान हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे करने से तो उसका जीना हराम हो जाएगा। न जाने किस किस तरह के लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे उसके किस्से में। इस तरह किसी की चलती जिंदगी में जहर नहीं घूमा जा सकता। हमको ज्यादा ही परेशान हो गया उसके लिए। कंचन समझदार है, उसने अपना रास्ता खुद चुना है और मंजिल भी हासिल कर लिया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में किसी सराय में बैठ कर अकेली किसी के इंतजार में अपनी जिंदगी गुजार दे। हम लोग क्यों सोचते हैं बुरी बातें? कंचन जहाँ भी है खुश है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है और ना होगा। वो जहाँ भी है जाओगे। मेरी निगाहें बहुत तेज हैं और मेरे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में छिपे हुए हैं तुम पर नजर रखने के लिए। कोई फोन आया क्या बंबई से? हमारे घर में फोन कहाँ है? हाँ, ओह, मैं भी देखो कितना भूल जाता हूँ, कमाल है ना। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम कितना भूल जाते हो आजकल। एक दिन का कह करके गए थे और पूरे 3 दिन लगा कर आए हो, इस बीच में तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई। याद नहीं आई, ये किसने कहा? तुम पर नजर रखने वाले ने, जो तो पल पल तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे रहता है। तुम बच नहीं पाओगे। क्या बात है कंचन, किसी ने कुछ कहा क्या? या फिर कौन है यहाँ जो मेरे पास आएगा और कुछ कहेगा? तो रो मत कंचन, कंचन रो मत। ये प्याज के आंसू हैं। ओ पृथ्वी। वो क्या है ना, जब तुम मेरे पास नहीं होते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में दिल ही नहीं है, और वो दिल तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और तुम्हारी एक एक मूवमेंट की खबर मुझे वायरलेस ट्रांसमीटर की तरह दे रहा है ना मजे की बात। मैं तो घबरा ही गया था। घबराओगे नहीं, चोर जो हो, दिल चुराया है तुमने मेरा। यू बातें मत करो कंचन, मेरा दिल बैठा जाता है। हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है और अगर अभी से मैं घबरा जाता हूँ। क्यों? डरता हूँ ना।
कहीं तुम मुझे गलत ना समझ बैठो। अब बिजनेस में बहुत कुछ हो जाता है। अब देखो, तुमसे कहकर गया था कि मुझे बैंगलोर जाना है, वहां से मैं बंबई चला गया। व्यापार में कुछ पता थोड़ी चलता है। अब मेरे बोलने से पहले तुमसे आकर कोई ये कह दे कि उसने पृथ्वी को बंबई में देखा है तो तुम तो मुझ पे शक करने लग जाओगी ना। पृथ्वी, तुम अभी भी मुझे जानते नहीं हो। पृथ्वी, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार करने के बाद कुछ और करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती, चाहे वो शकी क्यों ना हो। कंचन, तुम किसी की बात मत सुनना। नहीं, कभी नहीं। खाओ कसम, कभी नहीं। आह, कसम खाने की क्या जरूरत है? जब मैंने अपने पापा की बात नहीं सुनी तो और किसी की क्या सुनूंगी। पापा? कोई खबर नहीं आई उनकी? आए थे वो यहाँ। आए थे? कब? आज सुबह। पता नहीं उन्होंने हमारा पता कैसे ढूंढ निकाला। वैसे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि एक व्यापारी आदमी अपने काम की जगह हमेशा ढूंढ निकालता है। क्या कहा उन्होंने? जब आदमी गुस्से में होता है ना, तो वो एक ही बात इतनी बार दोहराता है, लगता है जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें उनसे? क्यों, क्या बात है? कोई चक्कर है क्या? नहीं, चक्कर क्या होना है? एक्चुअली चक्कर तो जनाब आपके पैरों में लगे हैं, जब से आपने मुझे यहाँ ला करके छोड़ा है। बस घूम ही रहे हैं, कभी बैंगलोर, कभी पूना, कभी बॉम्बे। ओ, तुम बम्बई गए थे तो तारा, शीना और आरजू को फोन करके बात कर लेनी चाहिए थी ना। उन्होंने की मदद की थी मेरी भागते समय, बड़ा खुश होती वो मेरे बारे में सुनकर। एनीवे, कोई बात नहीं, चलो आप फटाफट कपड़े बदलो, मैं आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना रही हूँ। क्या पहनूं? मेरी मानो तो कुछ भी नहीं। चलो स्वीट बॉय, जल्दी। ए, तुमने मुझे मिस किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मुझसे दूर कभी गए ही नहीं थे, आसपास ही थे, बस सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे थे। और सच कहूं तो मुझे तो तुम दिखाई भी दे रहे थे और सुनाई भी दे रहे थे। मैंने बड़ी लंबी लंबी बातें की हैं तुम्हारे साथ जब तुम यहाँ नहीं थे। सच, बड़ा मजा आता है। हाँ, कमाल की सिचुएशंस बनती हैं। खामोश रहो तो बातें होती रहती हैं, और आंखें बंद कर लो तो दिखाई देने लगते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे गुलजार की पोएट्री पढ़ रहे हो। क्या कहा, क्या पापा ने? याद रखने लायक कुछ भी नहीं। फिर भी वही मुझे वापस ले जाने वाली सारी कोशिशें, प्यार से धमका कर, लेकिन मैंने साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अब मेरी जिम्मेदारी से वो अपने आप को आजाद समझे। मैं बालिग हूँ, अपनी जिंदगी खुद देख लूंगी। काफी देर यहाँ खड़े घूरते रहे, फिर चले गए। चले गए बिना तुम्हें मनाए? मेरा मतलब है, मैं मानती तब ना, हार कर तुम्हारी आड़ लेने लगे। मेरी आड़? कहने लगे कि वो तुम्हें बिजनेस में मदद करना चाहते हैं, ताकि तुम मुझे वो सारी चीजें दे सको जिन्हें वो खुशियां मानते हैं। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, मेरे तमाम ऐशो आराम का इंतजाम करना चाहते हैं, ताकि मैं खुश रहूं, सुखी रहूं। फिर भी उन्होंने हमेशा मुझे अपनी दौलत के बलबूते पर खुशियां खरीद के देना चाहा है, और मैं हमेशा वहां घुटती रही हूँ, तड़पती रही हूँ। आज जब खुशियाँ अपने आप मेरे दामन में आकर समा जाना चाहती है, तो मैं क्यों उन्हें पापा की दौलत की चादर ओढ़ाऊँ? मैं नाजायज हूँ, इसलिए वो मुझे दया का पात्र समझते हैं। नहीं पृथ्वी, अगर उनकी जायज बेटी ने यही कदम उठाया होता तो तुम्हें मालूम है उन्होंने क्या किया होता? हक से उसके मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ दिया होता और खींचते घसीटते उसे अपने घर ले गए होते, घर। लेकिन मुझे तो वो यहाँ बैठकर मनाते रहे, समझाते रहे, अपनी दौलत की लालच देते रहे, अपने प्यार से मुझे अपमानित करते रहे, और मैं उनके सामने खड़ी शर्मसार होती रही। और आज जब मैं अपना घर बसाने चली हूँ, तो यहाँ भी अपनी मनहूस दौलत का साया लेकर के चले आए। नंगिया शरीर में बैठे गए, कह रहे थे आज रात को खाना खाने आना, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कल की फ्लाइट से जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते आज ही चले जाइए। मैंने ठीक किया ना पृथ्वी? बिल्कुल ठीक किया, यही किया जा सकता था। तुम्हारे डैडी की हुई गलतियों को मैं सुधारूंगा कंचन,
तुम्हें घर देकर तुम्हारे साथ घर बसा कर। पृथ्वी, आई लव यू, आई लव यू। अब तुम मुझे इतना प्यार करोगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मुझे घर भी बनाना है। अरे जानू, घर बनाने के लिए काम करना पड़ता है, और काम से मुझे याद आया कि मुझे अभी एक टेलीफोन करना है। और अगर उन महाशय ने मुझे बुला लिया तो मुझे जाना भी पड़ सकता है। पृथ्वी, मैं ये गया और वो आया। तुम अभी तो आए हो और मैं खाना भी बना रही हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम अपनी आंखें बंद करो, और खोलोगी तो मैं तुम्हारे सामने हूंगा। बाय, जल्दी आना। Yes, देर हो रही। सोच रहे हो? हाँ, सोच तो रहा हूँ। क्या? यही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। झूठ। यही होता है अक्सर, आदमी सच बोलता है और सुनने वाले को लगता है झूठ। तो फिर सच बोलो। सुनोगी? अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपने डैडी से सुलह कर लो तो कर लो? मुझे इस तरह मत देखो कंचन, तुम्हें मुझ पे विश्वास है? बोलो, है कि नहीं? हाँ है। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो और सोच समझ कर जवाब दो। जवाब देना जरूरी है। हाँ बोलो। तुमने अपने डैडी के प्रति जो रवैया अपना रखा है वो बिल्कुल एक तरफा है। तुम हमेशा अपने डैडी पे यही इल्जाम लगाती रही हो कि उन्होंने तुम्हें घर नहीं दिया, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती रही हो। क्या तुमने कभी अपने डैडी की मजबूरियों के बारे में सोचा? वो तुम्हें घर नहीं दे पाए, बस यही उनका दोष है? बाकी उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां संभाली हैं, बाखूबी निभाई हैं। उनकी जगह कोई और होता तो जानती हो क्या कर सकता था? तुम्हारे माँ के एक्सीडेंट के बाद तुम्हें अनाथालय में डाल सकता था, तुम्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ सकता था, और आज तुम ना होती, कुछ और होती। तुमने अभी तक दौलत के असली रंग नहीं देखे। अभी तुम्हारे सामने सिर्फ एक बाप आता रहा है जो तुम्हारी बातें सुनता रहा, वरना दौलतमंद आदमी बहुत मजबूर होता है। वो दौलत के नशे में बड़े बड़े गुनाह करता है और साफ बच निकलता है, और उसके गुनाहों की सजा भुगतती है उसके आने वाली पीढ़ियां। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने डैडी का, जिन्होंने अपने पत्नी और चार बच्चों की परवाह किए बगैर तुम्हें अपनाया। तुम उन पे यही इल्जाम लगाती रही हो ना कि उन्होंने तुम्हारे बचपन का कत्ल किया? वो इसलिए क्योंकि तुमने बचपन का कत्ल होते नहीं देखा। बचपन में लड़की माँ बन जाती है और उसके कदम बढ़ते हैं कमजोर बुढ़ापे पे। जरा सोचो कंचन, तुम्हारे डैडी के चार बच्चे पति पत्नी के रिश्ते की देन है, लेकिन तुम तो उनके प्यार की निशानी हो। जरा गौर से सोचो, जितना भी समय उन्होंने तुम्हारे साथ गुजारा है, क्या उनके साथ गुजारा? नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय सिर्फ तुम्हारा है और उनका समय सबका। आज मैं जब उनसे मिला तो मुझे लगा डैडी से मिले थे? कब? कहां? आज उनके होटल में। क्यों? मैं नफरत की नींव पर अपने प्यार की इमारत नहीं रखना चाहता। उन्होंने तुम्हें बुलाया था? नहीं, मैं खुद गया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो मुझे लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा है। उन्हें हमेशा पता चल जाता है क्या होने वाला है। ये तुमने अच्छा नहीं किया पृथ्वी। एक तरफ तुम्हें कितने गर्व से उनके सामने सिर उठा करके बात कर रही थी, और दूसरी तरफ तुम उनसे मिलने चले गए। वो इसलिए कि तुम्हारा सर हमेशा हमेशा के लिए गर्व से था। तुम्हारे आत्मसम्मान के आगे किसी भी तरह की कोई अड़चन ना है। अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं हूं।
पृथ्वी, तुम कहते हो तो मैं नहीं करूंगी नफरत उनसे। शायद तुम्हारा दिल मुझसे बहुत बड़ा है, शायद मोहब्बत का जज्बा तुम में मुझसे कहीं ज्यादा है, शायद तुम ही ठीक हो। मैं छोड़ दूंगी उनसे नफरत करना, कोशिश करूंगी, मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी, सबसे प्यार करूंगी, बस प्यार। That's like a good girl. I don't know, but I'll try. मैंने उन्हें कल दोपहर को खाने पे बुलाया। क्या? हाँ पूछिए। अब कहने कहने से तो शुरुआत करनी है, तो क्यों ना आज से ही? Okay. What do you want me to do? कुछ नहीं। बस राज करो बैठकर। Okay, boss. तुम कहते हो तो वैसा ही होगा। अच्छी है आपकी पसंद भी, पोर्ट वाइन नंबर 7, मेरी भी यही पसंद है। यही बात तो मैं अपनी बेटी को समझाता रहता हूँ बेटे, कि हमेशा अपनी पसंद ऊंची रखो, लेकिन यह है कि हमारी बात सुनती नहीं, समझती नहीं। खैर जो भी है, मैं इसके साथ हूँ। मेरी पसंद बहुत अच्छी है दादी, सिर्फ आपको पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद हमें पसंद है बेटा, मगर तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। ये तो अपनी अपनी पसंद है। आप लोग क्या पहेलियों में बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना ही समझो तो बेहतर है बरखुरदार, वैसे भी ये बातें तुम्हारे काम की नहीं है। एनीवे, चीयर्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आज ही शाम को कुछ दिन हमारे साथ रुक जाते। मैं नहीं समझता इसकी कोई खास जरूरत है। तुम्हारे मुझसे मिलने और मेरे यहाँ आने के बीच पूरे 16 घंटे थे, और इन 16 घंटों में मैंने हर वो काम कर लिया है जो एक अमीर बाप कर सकता है। ओ पापा, आप एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलते कि आप अमीर हैं। बिल्कुल नहीं, मैं जानबूझकर याद रखना चाहता हूँ, एक कॉन्शियस इफर्ट करता हूँ कि इसे याद रखूं, क्योंकि जीत हमेशा पैसे की ही होती है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, हम आप ही की तरह मेहनत करेंगे और आपके गाइडेंस में खूब पैसा कमाएंगे। पैसा मेहनत से नहीं बरखुरदार, पैसे से कमाया जाता है। खैर छोड़ो, यहाँ दिल्ली में हमने तुम्हारे लिए एक नया ऑफिस खरीद लिया, हमारा सामान बेचना और कमीशन में पैसा कमाना। और हाँ, पुरानी दिल्ली के इस किराए के मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स को भी नहीं। नहीं पापा। हाँ पापा, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, आप हमें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दे दीजिए। वही तो कर रहा हूँ बरखुरदार, खड़ा होने के लिए पैरों के नीचे जमीन तैयार कर रहा हूँ। किसी बात से इनकार मत करो, और ये लड़की तो पागल है, अगर इसकी बातों में जाओगे ना तो जिंदगी भर आदर्श खाओगे और उसूल पहनोगे। कामयाबी जोश की नहीं, हमेशा होश के आकर मिलती है। जी सही कह रहे हैं, आपका तजुर्बा हमसे ज्यादा है, आप गलत कैसे कह सकते हैं? है, ये रही घर की चाबियां और ये रहे ऑफिस के कागजात, इन पर साइन करके हमारे ब्रांच मैनेजर मिस्टर खन्ना को दे देना, वो ऑफिस तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा देंगे। मिस्टर खन्ना का पता कंचन अच्छी तरह जानती है, क्योंकि जब वो यहाँ पढ़ा करती थी ना तो मैं पैसा उन्हीं के जरिए से भेजा करता था। ओके डैडी, इस बार हम आपको मनमानी करने देते हैं। पृथ्वी, लेकिन आइंदा आपको हमारी सुननी पड़ेगी। All right then, let's go for lunch. नहीं नहीं, आज हम लोग खाना एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाएंगे। क्यों? अरे भाई, शादी की दावत भी तो देनी है ना, और फिर वहां से मैं सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा। ओके चलो, let's go. चलो जल्दी उन्हें फ्लाइट पकड़ लेंगे बैंगलोर जाने के लिए, 4 बजे। कंचन के डैडी मिस्टर रमाकांत सोनिया शाम की फ्लाइट से बैंगलोर पहुंचने वाले थे, मेरा ख्याल है अब तक पहुंच गए होंगे। मान लो वो ऑफिस नहीं गए हो तो? उनकी सेक्रेटरी ने तो कहा था कि वो बैंगलोर ही जाने वाले हैं। मान लो फ्लाइट लेट हो गई हो तो? आरजू,
तुम फोन करके इंडियन एयरलाइंस में पूछती क्यों नहीं कि बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पहुंची है कि नहीं? शीना, बॉम्बे एयरपोर्ट वाले कैसे बता सकते हैं कि दिल्ली से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पहुंची है या नहीं? कंप्यूटर से शट अप, मैं बैंगलोर फोन करती हूँ। मेरे ख्याल से तारा से दो गलतियाँ हुई हैं। पहली, मेरे हाथ में बियर की बॉटल देकर, और दूसरा तुम्हें एसटीडी कोड बताकर। अगर इतने फोन तुम अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए करती ना, तो क्या बात थी यार। हेलो, हेलो सोनी स्टेट जी, मैं रमाकांत सोनी से बात कर सकती हूँ? जी मैं आरजू बोल रही हूँ बम्बई से। जी आरजू, वो आरजू शीना तारा आरजू वाली आरजू। हाँ बोलो, मैं रमाकांत सोनी बोल रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? अंकल आप बता सकते हैं कि कंचन कहाँ है? हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कंचन कहाँ है। अच्छा तो प्लीज प्लीज हमें बताइए कि वो कहाँ है। नहीं मैं तुम्हें उसका पता बिल्कुल दे नहीं सकता, कल बाजी तुम लोगों के हाथ में थी, आज बाजी मेरे हाथ में है। तुम लोगों के लिए इतना ही काफी है कि वो जहाँ भी है अपने घर में है और बहुत खुश है। अंकल अंकल प्लीज, जब से हमने पृथ्वी को देखा है हम लोग। मैं तुम्हें उसका पता हरगिज नहीं बता सकता, और सुनो आइंदा मुझे फोन करने की फिर कभी कोशिश मत करना, समझी? गुड बाय। हेलो 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 हेलो, अंकल बताने के लिए तैयार ही नहीं है। आरजू हम लोग दिल्ली चले, वहां जाके क्या करेंगे? कंचन को ढूंढेंगे गाना गाकर। कोई तो होगा जो हमें ये बताएगा कि कंचन है कहाँ। शर्मिला, शर्मिला कवल फ्लैट नंबर 30 में रहती है ना? वो शायद घर पे नहीं है, आप खुद ही जाके देख लीजिए। ओके थैंक यू। शायद अंदर सो रही हो। लेकिन कॉल बेल की आवाज सुन के तो जग जाना चाहिए। अरे वो कब जागती है, कब सोती है, कब कहाँ जाती है, कब होश में रहती, कब नशे में रहती है, भाई अखी बिल्डिंग वाले उसको कोई समझ नहीं पाया। कुछ तो गड़बड़ है। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन! क्या हुआ? दरवाजा अंदर से बंद है। लड़की अंदर ही है मगर दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं बीमार ना हो, कहीं नशे में ना हो। देखना बहुत जरूरी है कि कुछ करने बैठे। दरवाजा खोल।